हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, आप देख रहे हैं शिवानी व्लॉग्स। एंड आज का टाइम अभी हो रहा है 2:30 बज रहा है दोपहर का, और मैंने अपना वीडियो अभी से स्टार्ट किया है। सुबह के डेली के वही काम होते हैं, और डेली का रूटीन मैं आपको क्या ही दिखाऊं। तो मैंने सोचा कि सुबह के लंच तक के बाद से स्टार्ट करूँगी। एंड मैं बता देती हूँ कि आज सुबह से क्या क्या हुआ। आज सुबह से बस थोड़ा डीप क्लीनिंग की है आज हमने, मतलब पूरे घर को डस्टिंग वगैरह करके एंड वॉशरूम वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन हुए हैं। एंड मॉपिंग हुई है, डस्टिंग हुई है, सब कुछ आज पूरा अच्छे से कर दिया है। और मतलब कि अच्छे से पूरा डीपली क्लीन हो गया हमारा आज घर, क्योंकि वीकेंड है तो टाइम भी था थोड़ा सा, मतलब इतना जल्दी नहीं थी। और देखा जाए उस हिसाब से तो ना आज बहुत जल्दी भी हो गया। खाना तो मैंने बहुत जल्दी बना लिया था, उसके बाद बस ये सब करके मैं निपट गई हूँ। खाना लंच वगैरह भी हमने खा लिया है। एंड लंच में बनाया था मैंने मसूर की दाल, राइस और रोटी, यही था सिंपल आज लंच। और अथर्व को शिवम सुलाने गए हैं, छुट्टी है आज शिवम की, तो वही अथर्व को सुलाने गए हैं। एंड मैं देख रही हूँ आपको पीछे सुलाने गए हैं। और आज हमारे घर में कोई आने वाला है, तो वो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि आज पहली बार ना आप मेरे वीडियोस में देखोगे किसी को तो आज घर में कोई आने वाला है, तो होपफुली थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में मतलब शाम तक ही आएंगे। और फिर हम कहीं बाहर भी जाने वाले हैं, तो आज आने वाला है ब्लॉग में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा। तो देखते रहिए आप भी आगे आगे क्या क्या होता है। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ, अभी ना मेरे कुछ पार्सल आए हुए थे तो मैं उनको ओपन करने जाती हूँ, तो आपके सामने ही करती हूँ कि मैंने आप क्या क्या मंगाया। एक्चुअली मेकअप प्रोडक्ट्स ही हैं, तो बस मैं अभी नीचे से लेकर आई, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रख दिया है सैनिटाइज वगैरह करके, अब उनको खोलूँगी मैं एंड फिर देखते हैं। और चलिए चलते हैं, मैं सीजर लेके आती हूँ फिर खोलते हैं। बैठ गई हूँ मैं, अब देखो ये मंगाया मैंने, एक है अमेजोन से एंड ये के है पर्पल से, खोलना तो है ही, मैं सोचा कि मैं आपके सामने ही खोल लेती हूँ। तो इसमें मेरा सेड है 01 वेज, और ये है 9 to 5 का लैक्मे सीसी कॉम्प्लेक्शन क्रीम। तो ये मंगाया है, ये तो मतलब मस्ट है, होना ही चाहिए, ये तो बहुत अच्छा क्रीम है आप डेली यूज़ के लिए, एंड आप इसको इवन पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो, ये इतना अच्छा है। और आपकी स्किन में इतना कोई हार्म नहीं करेगा, फाउंडेशन तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही, एक्चुअली क्या है ना, फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मेकअप मतलब वैसा हो जाता है, ये बहुत लाइट कॉम्प्लेक्शन का होता है। एंड आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, ईजिली इससे मेकअप कर सकते हो अच्छे से। अच्छा, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाउंडेशन वगैरह मैं नहीं लगाती, मुझे ये अच्छा लगता है, या फिर वो पॉन्ड्स का बेबी क्रीम, वो मेरे पास अभी है थोड़ा सा, मैंने ये मेरा फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसको मंगाया है। एंड अब खोल लेते हैं पर्पल का। पर्पल से मैंने भी ना, मैंने पर्पल से अभी कुछ दिन पहले ही मंगाया था कुछ सामान, प्रोडक्ट्स स्किन केयर थे उसमें ऑलमोस्ट, तब भी मुझे ना उसमें ये वेजिटेबल क्लीनर मिला था, इससे थोड़ा बड़ा पैक था वो, और इसमें भी मुझे ये मिला है। और मुझे पता नहीं था कि ये फ्री गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, और वो अभी तक की रखा हुआ है, मैंने उसको यूज़ भी नहीं किया है अभी तक की। और मतलब वो इससे थोड़ा सा बड़ा बॉटल होगा, काफ़ी बड़ा बॉटल था, एंड अब मुझे ये मिला है। फेसेस कैनेडा का वाइटलेस स्टे मैट कॉम्प्लेक्स SPF 20 के साथ आता है, विटामिन ई एंड शिया बटर का है, इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 9 ग्राम की। बहुत सुंदर पैकेजिंग, मतलब ये एकदम सेफ आया है, कहीं से ये ब्रेक नहीं हो सकता है, टूट नहीं सकता है, कुछ भी नहीं, आप देख सकते हो ये ऐसे आया है, ये स्पंज टाइप का कुछ ये है, और ये हमारा कॉम्पैक्ट इसमें
बहुत ही अच्छे मतलब पैकेजिंग के साथ आया है। वाओ, ये देखिए, आप देख सकते हो इसमें मिरर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिरर है इसमें। वाओ, एंड इसका स्पॉन्ज जो है वो है इस टाइप का, कवर करके दिया हुआ था ये काफी अच्छे से। और ये देख सकते हो आप, बहुत अच्छा। मैं इसको अभी एज इट इज वैसे ही रख देती हूँ एसक्यू का। इसके पहले ये है आईलाइनर स्टिक वर्की का, और मैं इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जो एसक्यू का मैं एक और यूज़ करती आ रही हूँ वो आई थिंक मेरा वन ईयर ऑलमोस्ट चल गया है, और वो भी इतनी छोटी सी ही पैकेजिंग में है। सो और काफ़ी अच्छा है इसका, ये जो पकड़ने वाला एप्लीकेटर होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मैं आपको ये बताती हूँ खोल के, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई थिंक मैंने ऑर्डर कर दिया, ये ब्रश वाला नहीं है, ये पॉइंट वाला है। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं, ऐसा वाला है ये, लेकिन हाँ बिल्कुल जेड ब्लैक कलर है इसका, जेड ब्लैक कलर है इसका। तो इसको यूज करूंगी मैं और बताऊंगी कैसा लग रहा है मुझे। ये एक मैंने मंगाया है लिप क्रियॉन, और ये भी मैंने फर्स्ट टाइम ही मंगाया, ये पर्पल का लिप क्रियॉन। पर्पल की मैंने अभी तक की कोई लिपस्टिक यूज नहीं की है, और ये मैंने मंगाया है पर्पल का ये लिप क्रियॉन। आप देख सकते हो ये मैंने एक न्यूड शेड मंगाया है, मैंने अभी तक की पर्पल की कोई भी लिपस्टिक, कोई भी बुलेट हो या फिर लिक्विड लिपस्टिक हो, पर्पल का नहीं यूज़ किया है मैंने। स्टिक वर्की के यूज़ किए हैं, और एन वाई के भी मेरे पास काफ़ी सारे लिपस्टिक्स हैं, पर पर्पल के मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने ये मंगाया है पर्पल से, और आप इसका शेड देख सकते हो ये कितना प्यारा शेड है, क्योंकि रेड पिंक एंड ऑरेंज ये सब लिपस्टिक से अब बोर हो गए हैं यार, मतलब मेरे पास बहुत सारे न्यूड शेड मिलेंगे आपको, एंड रेड पर्पल ये सब है मेरे पास, वो ओकेजनली ही यूज़ होते हैं। और ये भी, ये आप पार्टी में यूज़ कर सकते हो, डेली में यूज़ कर सकते हो, डे टाइम नाइट टाइम कभी भी यूज़ कर सकते हो, इवन ब्राइड को भी आजकल न्यूड लिपस्टिक ही लगा रहे हैं। तो मतलब ये न्यूड लिपस्टिक का बहुत ट्रेंड है, और पर्पल के मैंने सुने थे ये लिप क्रियॉन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो मैं इसका शेड दिखाती हूँ आपको। वाओ, ना एकदम मलाई मक्खन जैसा, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इनका। ऐसा नहीं है कि ये लिप क्रियॉन है तो आपके लिप्स पर ड्राई करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है, बहुत ज़्यादा वाव है। आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा कलर है ये, मेरे पास ऐसे कलर एन वाई बे में भी हैं बहुत, लेकिन मुझे ऐसे ही कलर पसंद आ रहे हैं तो मैंने मंगाया है ये कलर। आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है ये। सो आई थिंक मैं इसको आज ही यूज़ करूँगी। आज एक्चुअली हम कहीं जाने वाले हैं तो मैं देखती हूँ। तो बस यही था, मैंने यही सब कुछ मंगाया था, मैंने सोचा मैं खोल रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करूँ मैंने क्या क्या मंगाया है। और सो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने सोचा कि कुछ प्रिपरेशन पहले से करके रख लेते हैं। तो बस मैंने ये कढ़ाई गरम करके, ये मैंने मूंगफली भून ली थी और इसके छिलके निकाल लिए थे। अब मैं इसको बहुत हल्का सा चला लूँगी, ये ग्राइंड कर लूँगी, मतलब दरदरा पीसना है। और ये देखिए, आलू बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने इनको छील लिया है, एक बॉल में ले लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च एंड हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है इसमें। और मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। एंड अब इसमें डाल दूँगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये जो साबुदाने जो होते हैं ना इसमें, वो डाल रही हूँ मैं। इनको मैंने भिगो के रख दिया था थोड़ी देर पहले, तो अच्छे से भीग गए हैं, पानी सोख कर लिया, इन्होंने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस पहले आलू मैश कर लेती हूँ। आपको आलू काफ़ी मतलब अच्छे से मैश करना है, पूरे जो मतलब खड़े खड़े से नहीं छोड़ना है, सारे आलू अच्छे से मैश हो जाएंगे तभी इसमें आगे जा कर के हम साबुदाना मिलाएंगे। ये देखिए, हो गए आलू हमारे अच्छे से मैश हो गए हैं।
अब मैं इसमें डाल दूंगी साबूदाना, साबूदाना डालने के बाद मैंने जो ये मूंगफली का पाउडर बना के रखा था वो डाल दूंगी और एंड इसको मैं अच्छे से फिर से मिक्स कर लूँगी। और ना हमें इसको अच्छे से, आप हाथ से मिक्स करोगे तो ज़्यादा बेटर है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी एंड नमक वगैरह सब कुछ पूरे जो बाइंड ये बना रहे हैं बैटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। एंड बस या ये था, ये देखिए हमारा बन के रेडी हो गया। आप पहले से बना के रख सकते हो, आपके यहाँ कोई आ रहा है या फिर आपको भी खाना है तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हो और बस जब आपको तलना हो आप तल करके खा सकते हो। सो या ये देखिए अब मैं इनकी ये बॉल्स बना करके रख लेती हूँ। आप बस थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में ले करके ऐसे गोल गोल इसकी बॉल्स बना लेंगे और चपटा मतलब आलू की टिक्की का शेप देना है हमको इसमें। और ये ना इतने यम लगते हैं, मैं क्या बताऊँ, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं एंड आप इनको कभी भी बनाकर खा सकते हो। मुझे तो मतलब पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। सो बस अब मैंने इस कढ़ाई गरम कर ली है मैंने और मीडियम फ्लेम में हमें इसको डालना है, बहुत स्लो फ्लेम में नहीं डालना है, थोड़ा सा मतलब तेल अच्छा गरम होना चाहिए, फिर बाद में चाहे आप मीडियम कर सकते हो इनको क्रिस्पी एंड करारे सेकने के लिए। मैंने देखिए एक एक करके सभी इसमें डाल दिए और ये देखिए कितने अच्छा मतलब गोल्डन सुनहरा सा कलर आया है और बहुत ही फूले फूले बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे बन गए हैं और इतने टेस्टी, इतने यम बने थे ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। तो बस एक बैच मैंने निकाल लिया है और ये देखिए सॉस के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। दूसरा बैच मैंने ये फिर से बना करके डाल दी है इसमें और बैटर रखा है, अगर खाना होगा तो हम फिर डालेंगे। और देखिए मेरा भाई आ गया है और भाभी भी दोनों आ गए हैं और बारिश हो रही थी ना तो अदर बाहर थोड़ा सा साइकिल चला रहा था वो गीला हो गया था, सो मैं उसके कपड़े चेंज कर दी हूँ और बस ये लोग आए हैं तो बस हम लोग बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और बस यही सब। अथर्व ना जैसे ही लोग आए तो अथर्व थोड़ा सा चुप सा शांत सा हो गया था, देख करके थोड़ा दूर दूर भाग रहा था क्योंकि वो मतलब यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था तो काफ़ी दिनों से नहीं देखा था उसने लोगों को किसी को भी, तो मतलब उसको थोड़ा सा लग रहा था। फिर मतलब 5-10 मिनट के बाद ना बिल्कुल ठीक हो गया था, फिर इन दोनों के साथ ही वो खेलता रहा क्योंकि पहले भी हम लोग साथ में रहे हैं तो काफ़ी अच्छे से जानता है था, पहचानता है, बट वो अचानक से देख करके मेरे पास से कहीं जा नहीं रहा था, बाद में वो अच्छे से खेलने लगा सबके साथ में। और ये देखो प्रतीक, ये ना कुछ सरप्राइज़ कुछ अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये व्लॉग हो जाएगा बहुत ज़्यादा लंबा, सो मैं इसको ख़त्म करूँगी थोड़े दिन मतलब थोड़ी देर बाद मैं इसका एंड कर दूँगी और बाकी का नेक्स्ट व्लॉग में आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। सो बने रहिए, आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ये देखो उसकी मामी ना उसको चॉकलेट दे रही है पर वो ले नहीं रहा है और फिर कहता है खोलो खोलो खाने के लिए उस, लेकिन उसने कभी खाई नहीं है अभी तक की। अथर्व का ऐसा है कि वो कभी भी चॉकलेट वगैरह नहीं खाता है। और ये देखिए हमारे जो मैंने पकोड़े बनाए थे गर्मा गर्म हम वो खा रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, सबको बहुत पसंद आया है, बहुत मज़ा आया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। क्या होने वाला है, कुछ स्पेशल भी होने वाला है, सो बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, देखते रहिए कि क्या क्या चल रहा है। और बस यही था, अभी हम लोग ने जो मैंने साबूदाना बड़ा बनाए थे वो खा लिए, बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही यम्मी बने थे और बस यही है। मैंने सोचा मैं ये वीडियो में एंड कर देती हूँ बिकॉज ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा लंबा, अगर मैं कंटिन्यू रखूँगी ना तो भी फिर जाना है और घर में भी कुछ हम करने वाले हैं तो वो सब काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसको ऐड करूँगी। सो या यही था मेरा आज का ये वीडियो,
आज का ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।